नमस्कार, अपने स्वयं रहल छी मिथिला मिरर वेब रेडियो और हम छी ललित नारायण झा। देश में कोरोना महामारी जाहि तरहें पसरल जा रहल अछि वो चिंताक विषय बनल जा रहल अछि। फिलहाल देश में कुल संक्रमित रोगीक संख्या बढ़िकऽ 31,787 भऽ गेल, जखनकि 7,797 गोटे ठीक भऽ घर जा चुकला अछि। कोरोना से मरे वाला रोगीक संख्या सेहो 4 अंक में पहुँचैत 1,000 के पार कऽ गेल। आब कोरोना से 1,008 रोगी के मौत भऽ गेलनि, तऽ पछिला 24 घंटा में 1,813 नव रोगी भेटला, जखनकि 71 गो नव रोगीक मौत सेहो भऽ गेलनि। पछिला 24 घंटा में 770 लोग ठीक सेहो भेला। आब देश में सक्रिय संक्रमित रोगीक संख्या 22,982 अछि और 24 घंटा में एहि में 972 के उछाल सेहो दर्ज कयल गेल। बिहार में लॉकडाउन के कारण दलहन के आपूर्ति में कमी भेल जा रहल अछि। एहन में किराना दुकानदार सब सरकार से गुहार लगेलनि जे दलहन के सप्लाई करेबा में सरकार मदद करे। एहि पर संज्ञान लैत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात कर व्यापारी लोकन के भरोसा दैत कहलन जे दलहन के आपूर्ति जल्द कयल जाय। नेफेड लग दलहन के पर्याप्त भंडार अछि। जनतब दी जे जन वितरण दुकानदार के माध्यम से राज्य में राशन कार्ड धारी के 1 किलोग्राम दालि अगला 3 महीना धरि जेबाक बात सरकार केने अछि, ताहि कारण दलहन के मांग बढ़ गेल अछि। कैमूर में जन वितरण दुकानदार के जांच करेबाक लेल गेल अधिकारी सब पर हमला कयल गेल, जाहि में एकटा पुलिसकर्मी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल भऽ गेला। SDPO के गाड़ी के सेहो तोड़ देल गेल। एहि मामला में मुखिया प्रतिनिधि सहित किछु आरोपी के गिरफ्तार सेहो कयल गेल अछि। एहि मामला पर पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद जानकारी देत कहलनि जे रामगढ़ थाना क्षेत्र के छेवड़ी गांव में 2टा PDS दुकान के सील कयल गेल छल और ओकर जांच लेल गेल टीम पर आक्रोशित ग्रामीण सब हमला कयलनि। मामला के जांच कयल जा रहल अछि। मोतिहारी के पकड़ी दयाल के सिसाहनी गांव में लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल गेल पुलिस टीम पर ग्रामीण लोकनि हमला कऽ देलनि, जाहि में 1टा महिला सिपाही समेत 7 पुलिसकर्मी घायल भऽ गेलाह। भेट रहल सूचना के मुताबिक गश्त लेल गेल पुलिस टीम के ग्रामीण दौरा कऽ पिटलक। घटना के सूचना भेटते पूरा पुलिस महकमा में हड़कंप मच गेल और पुलिस अधीक्षक सेहो घटना स्थल पर पहुँच मामला के छानबीन कऽ रहल छथि। लॉकडाउन में छूट के बावजूद मजदूर लोकनि अपन काज पर नहीं लौट रहल छथि। सरकार एक दिस बड़का बड़का दावा कर रहल है जे ग्रामीण क्षेत्र में किसानी और उद्योग में छूट छैक, मुदा सच्चाई ई जे कोरोना के डरे लोग काज करबाक लेल तैयार नहीं छथि। किसान के जोन बनिहार नहीं भेट रहल छैन जे वो अपन रबी राय खेत से अपना घर दे रान सकता, तो दोसर दिस बिहार के विभिन्न जिलाक औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर नहीं भेटबाक कारण कोनो तरह उत्पाद शुरू नहीं भ रहल अछि। सवाल ई जे सरकार कोन आधार पर दावा करैत अछि जे सब काज शुरू भ गेल। बिहार सरकार कोरोना के कारण भेल लॉकडाउन में राहत दैत राज्य के ईंटा और बॉल के उत्पादन आ बिक्री पर छूट देबाक ऐलान कयलक अछि। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक अरुण प्रकाश जानकारी दैत कहलनि जे आब ईंटा और बॉल के बाजार में बेचल जा सकैत अछि। एहि संबंध में सब जिलाधिकारी के निर्देश दऽ देल गेल अछि जे निर्माण से जुड़ल काज के शुरू कयल जाय, ताकि एहिसँ रोजगार में सृजन भऽ सके और लोक सब के रोजगार भेट सकनि। कोरोना महामारी के चलते एक दिस सरकार लॉकडाउन बढ़ा रहल अछि, तो दोसर दिस बिहार पुलिस करोड़पति बनल जा रहल अछि। पिछला 35 दिन में लॉकडाउन में बिहार पुलिस जुर्माना के तौर पर 10,44,11,237 रुपया वसूल कयलक अछि, यानी प्रतिदिन के हिसाब से देखल जाए तो ये आंकड़ा 30 लाख पर बैसत अछि। ADG बिहार पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार जानकारी दैत कहलनि जे बिहार पुलिस एखन धरि 1,496 लोग के गिरफ्तार कयलक, संगे 1,597 लोग पर केस सेहो दर्ज कयल गेल अछि। एतबे नहि, एहि दौरान 45,551 वाहन सेहो जब्त कयल गेल। एकर मतलब साफ अछि जे पुलिस मुस्तैदी से अपन काज कऽ रहल अछि। कोरोना संक्रमण के बढ़त खतरा के देखत राज्य के नीतीश सरकार फैसला लेलक अछि जे प्रदेश से बिहार आबि रहल लोक सब के कोनो हाल में बिना क्वारंटाइन के ने गांव में घुसबाक अनुमति नहीं देल जतन। पंचायती राज विभाग सब थाना के निर्देश देलक अछि जे कोनो हाल में बाहर से आयल लोक के सीधे अपन घर नहीं जाय देल जाय। मालूम है जे एखन धरि जतेक कोरोना पॉजिटिव रोगी भेट रहल अछि, ओहि में से बेसी लोक सब विदेश व देशक अन्य महानगर से आयल छथि और हुनका संपर्क में रहलाक कारण दोसर लोग सेहो संक्रमित भऽ रहल अछि। पटना में कोरोना अस्पताल घोषित नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत सब वार्ड बॉय मंगल दिन से हड़ताल पर चल गेलथि। आउटसोर्सिंग कयल गेल लगभग 65टा वार्ड बॉय के 4 महीना से तनख्वाह नहीं भेटबाक कारणे वो लोकनि अस्पताल परिसर में शारीरिक दूरी के पालन करैत धरना दऽ रहल छथि।
आई हिनका सभक धरना के दोसर दिन छल। हिनका लोकनिक कहब छनि जे जखन तक मांग पूरा नहीं कयल जाय ता धरि ओ सब अपन काज पर वापिस नहीं फिरता। एम्हर वार्ड बॉय के हड़ताल पर चल जेबाक कारण कोरोना संक्रमित और संदिग्ध रोगी के IDH और आइसोलेशन वार्ड आदि में पहुँचेबा और लौ जेबा में स्वास्थ्यकर्मी लोकन के बहुत बेसी फिरसानी भ रहल छनि। बिहार में कोरोना संक्रमण के स्थिति दिन ब दिन गंभीर भेल जा रहल अछि। आंकड़ा अब 322 तक पहुंच गेल अछि। पिछला 5 दिन में अचानक कोरोना रोगी की संख्या में बहुत तेजी से उछाल आयल। बीतल 5 दिन के दौरान कोरोना संक्रमित रोगी की संख्या दुगुना से बेसी भ गेल अछि। बिहार में कोरोना संक्रमण के स्थिति दिन ब दिन गंभीर भेल जा रहल अछि। आंकड़ा 392 तक पहुँच गेल। पिछला 5 दिन में अचानक कोरोना रोगी की संख्या में बहुत तेजी से उछाल आयल। बीतल 5 दिन के दौरान कोरोना संक्रमित रोगी की संख्या दुगुना से बेसी भ गेल अछि। कोरोना लगातार नव इलाका में सेहो पसरल जा रहल अछि। एहि के संगे बिहार के 29 जिला में कोरोना दस्तक दऽ चुकल अछि। एहि में से 13 जिला रेड जोन में शामिल भ चुकल अछि। जे 13 जिला रेड जोन में अछि ओहि में मुंगेर, पटना, नालंदा, सिवान, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, कैमूर, नवादा, रोहतास और सारण अछि। जय जिला में लगातार कोरोना रोगी की संख्या में वृद्धि दर्ज कयल जा रहल अछि। बिहार में कोरोना के कहर कम हेबाक नाम नहीं लऽ रहल अछि। बुध दिन सेहो 36 नव कोरोना पॉजिटिव रोगी पाओल गेल। आब बिहार में कुल पॉजिटिव रोगी की संख्या बढ़कर 403 भऽ गेल। बुध दिन भेटल रोगी में 14 बक्सर, पश्चिमी चंपारण में 5, दरभंगा में 4, बेगूसराय और भोजपुर में 2-2, रोहतास और पटना में 3-3, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद और मधेपुरा में 1-1 रोगी भेटला। कुल रोगी में 18 गो पुरुष तथा 18 गो महिला शामिल छथि। सरकारक लेल चिंताक विषय ई जे आब छोट छोट बच्चा सेहो संक्रमित भ रहल अछि। आई भेटल रोगी में एकटा 6 महीना के तो दोसर 1 साल के बच्चा अछि। बिहार के 38 में से 29 जिला में कोरोना के लसेर पसरि गेले। आब जो जिलावार कोरोना रोगी की बात करी तो मुंगेर 92, पटना 42, बक्सर 40, नालंदा रोहतास 35, सिवान 30, गोपालगंज 18, कैमूर 17, बेगूसराय, भोजपुर 11, औरंगाबाद 8, गया 6, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, दरभंगा और मधुबनी में 5-5, सारण, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद और नवादा 4-4, बांका, वैशाली 3-3, मधेपुरा और सीतामढ़ी 2-2, अररिया, पूर्णिया और शेखपुरा में 1-1 रोगी पाओल गेल अछि। बुध दिन 1948 सैंपल के जांच चल रहल अछि। एखन धरि सबसे बेसी RMRIMS अस्पताल में 13,559, तकरा बाद IGIMS में 3,513, DMCH में 1658, PMCH में 1353 और SKHCM अस्पताल में 704 एवं पटना एम्स में 581 सैंपल के जांच भेल अछि। बिहार में कोरोना संक्रमण के तोड़बाक लेल कयल जा रहल घरे घरे सर्वे के परिणाम अब देखना में आबि रहल अछि जे कोरोना संक्रमित रोगी के पहचान में मददगार साबित भ रहल अछि। 28 अप्रैल के 63,478 घर के 314,769 लोकक जांच भेल, जाहि में से कुल 91 लोक में सर्दी बुखार सन सामान्य लक्षण देखल गेल और हिनका सभक सैंपल लऽ जाँच लेल भेज देल गेल। 16 अप्रैल से 28 अप्रैल धरि राज्य में कुल 75,23,395 घर के कुल 4,07,50,232 लोकक जांच पूरा कयल जा चुकल अछि। अरवल के जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी और सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार कोरोना से जुड़ल जानकारी देत कहला जे जिला के पहिल कोरोना पॉजिटिव रोगी के संपर्क में आयल 16 लोकक जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयल अछि। संगे दोसर रोगी के संपर्क में आयल 6 लोकक रिपोर्ट सेहो नेगेटिव पाओल गेल। एखन धरि जिला में पाओल गेल 4 कोरोना रोगी के सब संपर्कित के क्वारंटाइन कऽ देल गेल छनि। जिलाधिकारी कहला जे जिला में लॉकडाउन के सख्ती से पालन कराओल जा रहल अछि। संगे संवेदनशील इलाका के सील सेहो कऽ देल गेल। किशनगंज से लगे वाला बिहार और बंगाल के 9 सीमा के सील कऽ देल गेल। किशनगंज के जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष जानकारी देत कहलन जे बिहार और बंगाल दुनू राज्य में जाय तरह कोरोना संक्रमण पसरि रहल अछि। एहतियातन एहन फैसला लेल गेल जे बंगाल से सटल लोहागाछी, मुरी बस्ती, दिघली, मझिया, मलद्वार समेत 9 सीमा के बंद कऽ देल गेल। बता दी जे एखन धरि किशनगंज में कोरोना कोनो पॉजिटिव रोगी नहीं अछि। मुंगेर के बाद बक्सर अब कोरोनाक दोसर सबसे पैघ हॉटस्पॉट बनल जा रहल अछि। पिछला 3 दिन में जिला में लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगी की संख्या बढ़ल जा रहल अछि। दुखक गप ई जे एहि महामारी के चपेट में अब दूधमुहा बच्चा सब सेहो आबि रहल अछि। बुध दिन भेटल 14 गो रोगी में 7 गो पुरुष और 7 गो महिला छथि, जाहि में एकटा 6 महीना के तो दोसर 1 सालक बच्चा सेहो शामिल अछि।
धीरे धीरे बक्सर के स्थिति खराब भेल जा रहल अछि। एखन धरि प्राप्त जानकारी के मुताबिक बक्सर में कुल कोरोना पॉजिटिव रोगीक संख्या 40 भऽ गेल अछि। शेखपुरा जिला में कोरोना पॉजिटिव रोगी भेटलाक बाद लोक सब में आतंक लऽ लेने अछि। एहि के देखे जिलाधिकारी इनायत खान जिला के नाम एकटा संदेश जारी करैत कहलनि जे कोरोना से डरेबाक कोनो जरूरत नहि छै। कोरोना पॉजिटिव रोगी के गांव सहित 3 किलोमीटर के घर के सील कऽ देल गेल और इस क्षेत्र में सैनिटाइजर काज शुरू कऽ देल गेल अछि। पीड़ित के ट्रेवल हिस्ट्री छलनि और वो मुंबई से अपन गांव आयल छथि। हुनक जिला प्रशासन पहले आइसोलेशन में रखने छल और रिपोर्ट अयला के बाद वो पॉजिटिव पाओल गेला। बता दी जे शेखपुरा बिहार के 27वां कोरोना प्रभावित जिला बन गेल और एतय अखन धरि एकटा रोगी पाओल अछि। बुध दिन दरभंगा में 4टा और कोरोनाक नव रोगी पाओल गेल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM जानकारी देलन जे 22 अप्रैल का दिल्ली से दरभंगा आयल शोभन निवासी के संपर्क में अयला से 13 लोकन में से 4टा के बुध दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। तकरा बाद जिला में कुल पॉजिटिव रोगी की संख्या बढ़कर 5 भ गेल। सब 13 संपर्कित के DMCH अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में राखल गेल अछि। एखन धरि 10 लोगक रिपोर्ट आयल अछि, जाहि में 5टा पॉजिटिव और 5टा नेगेटिव भेटल। बाकी रिपोर्ट के इंतजार कयल जा रहल अछि। एहतियातन शोभन गांव और दरभंगा के वार्ड 32 सहित 9 जगह के सील सेहो कऽ देल गेल। मधुबनी के जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे कोरोना से संबंधित जानकारी साझा करैत कहलनि जे जिला में एखन धरि 5टा कोरोना रोगी पाओल गेल अछि। 28 अप्रैल धरि जिला से 483 सैंपल भेजल जा चुकल अछि, जाहि में से 5टा पॉजिटिव पाओल गेल और 50टा रिपोर्ट अखन आयब बाकी अछि। बाकी भेटल समस्त रिपोर्ट नेगेटिव अछि। जिला में बनाओल गेल कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइज काज चल रहल अछि। संगे जिला के सब सीमा के सेहो सील कऽ देल गेल। कलेक्टर जानकारी देत कहलन जे कोनो भी स्थिति में प्रदेश से आबे वाला लोग के सीधे घर नहीं जाय देल जायत। कोरोना अब मिथिला क्षेत्र के सेहो अपना चपेट में लऽ लेलक अछि। बुध दिन आयल रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी चंपारण में सेहो कोरोना के 5टा रोगी पाओल गेल। पाओल गेल रोगी सब जिला के सनिचरी योगापट्टी के रहनिहार छथि। जिला में कोरोना रोगी भेटबाक सूचना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आबि गेल अछि और संबंधित क्षेत्र के सील कऽ देलक। एहि तरह आ पश्चिमी चंपारण राज्य के 29वां कोरोना प्रभावित जिला के रूप में अपन उपस्थिति दर्ज करवा लेलक। आजुक अंक में एतबे। नमस्कार।